और साथ में ये जरूर कहना चाहूंगा, आज के प्रोग्राम जो आप लोग देख रहे थे, टोटली एडिट होने के बाद आप सबके सामने यूट्यूब के जरिया आ जाएगा। उसके बाद इसके खास मजा आप लोग लुत्फ उठा सकते हैं। न्यूज लाइन वन एंड ओनली वन न्यूज लाइन नेशनल की तरफ से, और स्पेशली 75th रिपब्लिक डे में आप सबको दोबारा तीसरी बार चौथी बार मैं हार्दिक हार्दिक इस्तकबाल कर रहा हूँ, खुश आमदीद, मोस्ट एंड मोस्ट वेलकम। और मैं खास ढंग से हमारे बहुत ही प्यारा, बहुत ही आदरणीय हमारे बीच में जो आज है हाजी तौफीक साहब के मैं शुक्रगुजारी कर रहा हूँ, साथ में चंदा साहब के भी, और स्पेशली हमारे राजेंद्र पंडित सर जी जो हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई गली से ढूंढ ढूंढ के कोई ना कोई चैलेंज को लेके आते ही है। थैंक यू वेरी मच सर जी। और हाजी सर का बात ही कुछ और है, उनके नूरे आम चेहरा कुछ बात ही और है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी हाजी साहब और रजनी जी की आवाज में सुनने जा रहे हैं, बहुत ही उम्दा गीत है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार चलने घड़ी दो Thank you.
कांग्रेस से प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, राहुल से प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में जहर तुम ना दो, जब भी कुछ बोलो सो के तुम बोलो, भर जाता है मेरा रोग बनता है गोली से, पर वो भावी बड़ा जो बना है कर दी गोली से, तुम मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, कांग्रेस से प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, राहुल से प्रेम करो देश प्रेमियों। इस मिट्टी से पूछो क्या भाषा क्या इसका मतलब है, फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों, चेतन बोले प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, राहुल दे करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, ताई से प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, कांग्रेस को करो देश प्रेमियों। हाजी साहब के हम सब लोग बहुत ही शुक्रगुजार है क्योंकि गीत को जिस ढंग से प्रोग्राम न्यूज लाइव नेशनल फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब वेबसाइट पर दिखाया जाने वाला है, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट की है कांग्रेस अध्यक्ष शोलापुर के चेतन भाव नरोटी जी को स्टेज पे बुलाया है। ये गाना बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा हाजी साहब ने बनाया है, इसका रिकॉर्डिंग करके सबको दिखाना है। बात है
Congress,
तोड़ो तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों कौन से प्रेम करो देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों राहुल से प्रेम करो देश प्रेमियों देखो ये धरती हम सब की माता है सोचो आपस में क्या अपना माता है हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा अपने घर से हमें निकालेगा दीवानों हो करो मेरे देश प्रेमियों कांग्रेस से प्रेम करो देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों राम से प्रेम करो देश प्रेमियों मेरे देश में जहर तुम ना फैलाओ जब भी कुछ बोलो जो तुम बोलो घर जाता है गहरा गाओ बनता है वो गोली से पर वो काम नहीं बढ़ता जो बनता है कड़वी गोली से तुम मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों कांग्रेस से प्रेम करो देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों राहुल से प्रेम करो देश प्रेमियों
खास गीत के साथ आप सबके सामने आ रहे हो केसरी। ये फिल्म राजस्थान के पटभूमि में बना था, जहां पे एक शहीद के परिवार के ऊपर क्या क्या जुल्म होता है, फिर भी वो शहीद आगे निकल के देश के लिए कुर्बान हो जाता है, उसी के ऊपर ये गीत फिल्माया गया है। आइए पेशी खिदमत। रहे
जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बह पी कान पड़े कभी खून तेरा जिस्मों से निकल के खून बह बहुत ही दिल से गा रहे हैं, बहुत ही कशिश के साथ गा रहे हैं, क्या बात है। तेरे मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियां में बह जावा तेरे खेतों में लहरा इतनी सी है दिल की आरज़ू है, एक पैगाम है। अगर मैं मुसलमान हूं कब्र में जाऊंगा उस मिट्टी में मिल जाऊंगा जो मेरे देश के है। अगर हिंदू हूं शमशान में जला दो मुझे फिर भी मेरे भस्म जो है इसी देश के धरती के मिट्टी में खो जाएगा। अगर कुछ भी हूं ना हो लेकिन जरूर मैं हिंदुस्तानी हूं, जरूर मैं भारतीय हूं, जरूर मैं इंडियन हूं। और 1947 17 सितंबर किसी शख्स ने पूछा था आप कौन है, क्यों आपको हम हरा नहीं पा रहे हैं, हमको देश छोड़ के भागना पड़ रहा है। वो शख्सियत ने जवाब दे दी थी डायरेक्टली, वी आर इंडियंस, यू कैनॉट डिस्ट्रॉय अस बिकॉज वी आर इंडियंस। जवाहरलाल नेहरू साहब ने जवाब दिए थे माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन को 1947 16 सितंबर साहब ने पूछे थे आपको हम क्यों हरा नहीं पा रहे, तो सर ने यानी कि नेहरू जी ने
डायरेक्टली कह दिए थे हम भारतीय है, हमको आज तक कोई हरा नहीं पाए, ना हरा पाएंगे ना हराने वाले कोई पैदा हुए हैं। और मैं सलाम करना चाहूंगा स्पेशली इस झंडे के बाद हमारे सामने जो कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता साथ में जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, स्पेशली हाजी साहब को और दादा, आपको तो शुरू दिन से मैं दादा ही फरमाता हूँ क्योंकि कोलकाता का बंगाली हूँ। दादा थैंक यू वेरी मच ये मौका हमारे न्यूजीलैंड नेशंस को देने के लिए। सर जी प्लीज टू वर्ड्स फ्रॉम योरसेल्फ। दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूँ हाजी साहब का, चेतन भाऊ का इसलिए क्योंकि मैंने जो इन म्यूजिक चैनल चालू किया और जो न्यूजीलैंड नेशनल चालू किया इस पे हमने एक प्रोजेक्ट रखा सोलापुर आइडल। और ये सोलापुर आइडल प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या किया कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के जितने अच्छे सिंगर्स हैं हम उन सबको हमारे चैनल पे इनवाइट करते हैं, उनको हम अपने चैनल पे बुलाते हैं, वहां पे प्रैक्टिस करवाते हैं और उन्हें हम स्टेज देते हैं। तो इसीलिए आज जो आपको इस प्रोग्राम में क्वालिटी मिली, जैसे संजय माने हैं, सतीश आहिगोड़े सर है, वसीम भाई हैं, या फिर हमारे गोडविंद चौधरी जी हैं, और ये जो ग्रुप हमारा बना है कारड़ी जी है, ये ग्रुप बहुत ही मेहनत से बना है और बहुत ही तकलीफ लेके सब लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं और इस स्टूडियो को, इस चैनल को, इस नेशनल चैनल को बुलंदियों पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ अब हमारे साथ जुड़े चंदा जी भी हैं, ये एक्स फिल्म प्रोड्यूसर हैं और एक नई फिल्म का भी वो लॉन्चिंग करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं उनको एक ऑफर दूंगा कि फिल्म के लिए अगर कुछ लगे, कुछ रिकॉर्डिंग है, कुछ एडिटिंग है, कुछ उसका एडवर्टाइजमेंट है, वो हम हमारे चैनल पे बना के दे सकते हैं। क्योंकि हम जिस मशीन्स पे काम करते हैं, जिन सिस्टम्स पे काम करते हैं, वो सब एडवांस सिस्टम्स हैं, जिसपे शाहरुख खान, सलमान खान आज उस सिस्टम्स पे काम करते हैं, उसी सिस्टम्स पे हम काम कर रहे हैं। तो अगर जुनैद जी अगर को अगर एडिटिंग करना है, फिल्म का शूटिंग करना है, कुछ भी काम करना है, तो वो हमारे स्टूडियो में हो सकता है, इनको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, वो काम अपने स्टूडियो में भी हो सकता है। तो दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन इन अवर स्टूडियो ऑल्सो। और मैं शुक्रगुजार हूँ जुनैद चंदा जी का, उनके चार सिंगर्स का, हाजी साहब का, सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। और अभी जुनैद जी ने मुझे कान में बोला है कि इनकी नई फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम है थोड़ा सा प्यार चाहिए। थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत मिलेगा, सोलापुर वासी बहुत प्यार देंगे, थोड़ा सा तो मिलेगा, थोड़े के साथ बहुत मिलेगा। और ये जो मैं बोलता हूँ वो होता है जी। और सर जी मेरे फिल्म का एक डायलॉग बोलता हूँ कि मैं नफरत भी मोहब्बत से करता हूँ। चेतन दादा मेरे फिल्म का डायलॉग है जो दिलबर तेरे प्यार में रिलीज हो चुकी है कि मैं नफरत भी मोहब्बत से करता हूँ तो थोड़ा सोच के देखो मैं मोहब्बत कितनी मोहब्बत से करता हूँ। इसलिए मेरा शोज कम होते जा रहा है हमारे जिले चंद्र साहब के लिए। क्या बात है, ब्यूटीफुल। हम सब एक हैं।